विषय गणित कक्षा 3 पाठ 12 कैसे कैसे बांटें कैन वी शेयर प्रेजेंटेड बाय अजय कुमार गुप्ता नमिता यादव। बच्चों यहां 10 तितलियां हैं, हमें इन तितलियों को दो बराबर समूहों में बांटना है। तो एक समूह में कितनी तितलियां हैं? 6 लड्डुओं को बराबर बराबर 4 समूहों में बांटना है। तो एक समूह में कितने लड्डू होंगे? 12 भाग 4। बच्चों मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है, मैं इसे अपने 5 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं, तो मैं कैसे बांटूंगा? 100 को भाग करेंगे 5 से, 100 भाग 5। एक दर्जी के पास 28 बटन हैं और उसे 7 कमीजों में बराबर बराबर बटन लगाने हैं। बताओ एक कमीज में कितने बटन लगेंगे? 28 भाग 7। हमारे पास है 15 लड्डू और डब्बे हैं 5, तो एक डब्बे में कितने लड्डू भरे जाएंगे? इसको पता करने के लिए हम 15 को भाग देंगे 5 से, यानी 3। एक डब्बे में 3 लड्डू। हमारे पास कुल है 25 केले और ये हमें 5 बंदरों में बांटने हैं, तो एक बंदर को कितने केले मिलेंगे बताओ? प्रियांक अपने जन्मदिन पर 12 गुब्बारे लाया और उसे ये गुब्बारे अपने 3 दोस्तों में बराबर बराबर बांटने हैं, तो एक दोस्त को कितने गुब्बारे मिलेंगे? 12 भाग करेंगे किससे? 3 से। मेरे पास 21 मोमबत्तियां हैं जिन्हें मुझे 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखना है। बताइए एक डिब्बे में कितनी मोमबत्तियां रखेंगे? 21 भाग 3 बराबर 7। तो 18 मोजे यानी जुराबे हैं, तो इनको कितनी लड़कियां पहन सकती हैं? अगर 18 को भाग देंगे 2 से, यानी एक लड़की 2 मोजे पहनेंगी, तो कुल कितनी लड़कियां पहन पाएंगी? 18 भाग 2 यानी 9। दोनों हाथों से कितनी लड़कियां खेल रही हैं? अब 60 उंगलियां हैं और हर एक के 2-2 हाथ हैं और 2 हाथों में कुल 10 उंगलियां हैं, तो 60 भाग 10 बराबर 6 यानी 6 लड़कियां खेल रही हैं। तो एक सब्जी वाले के पास है कुल 27 किलो आलू और ये उसको 3 ग्राहकों को देने हैं, तो एक ग्राहक को वो कितने आलू देगा? ये निकालने के लिए 27 भाग 3 करेंगे तो आएगा 9। बच्चों आप सभी ने ये चार्ट तो देखा ही होगा, ये है टेबल का, टेबल्स का चार्ट, जिसमें 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स दे रखे हैं। चलिए आप सभी इसको पढ़ें और इसको अपनी कॉपी में बनाएं। चीजों या वस्तुओं को बराबर समूह में बांटने की क्रिया को भाग या डिवाइड कहते हैं। जिस संख्या को हमें भाग करना है उसे भाज्य या डिविडेंड कहा जाता है। जिससे भाग कर रहे हैं उसे भाजक या डिविजर कहते हैं, और भाग करने के बाद जो उत्तर आता है उसे कोशेंट या भागफल कहा जाता है। भाग के चिन्ह को पहचान लीजिए आप। चलिए कुछ अभ्यास करें। 4 को कितने से भाग करें कि आपको 2 प्राप्त हो? 2 को 3 से भाग करने पर क्या आएगा? किस संख्या को 2 से भाग करें कि 7 आए? इन सभी सवालों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और हल करेंगे। कुछ अभ्यास करें।